सर। बता हेलो, आपको छुट्टी मिल गई क्या? माँ जी आपको याद कर रही थी। नहीं, अभी यहाँ के हालात खराब है। जब भी हालात सही होते हैं मैं आने की कोशिश करूँगा। और माँ की तबीयत कैसी है? मैं वही तो कह रही हूँ, माँ जी की तबीयत दिन पर दिन और खराब होती जा रही है, और डॉक्टर ने भी कहा है कि इनके पास ज्यादा वक्त नहीं है। ऐसी बात है क्या? जरा माँ से बात करवाना। हाँ मैं करवाती हूँ। माँ जी वो आपसे बात करना चाहते हैं। माँ जी वो आपसे बात करना चाहते हैं। माँ जी, माँ जी, हेलो हेलो, अरे क्या हुआ? हेलो हेलो, शायद नेटवर्क प्रॉब्लम है, दोबारा करता हूँ। विजय सिंह इधर आना। जी सर, आया। जी साहब, क्या हुआ विजय सिंह? इन कुत्तों ने मुंह खोला कि नहीं? सर अभी तक तो इन्होंने कुछ भी नहीं बताया। तो फिर देख क्या रहे हो, इनका मुंह खुलवाओ। मुझे किसी भी कंडीशन में इंफॉर्मेशन चाहिए। दिस इज माय ऑर्डर। सॉरी सर, बट मैंने बहुत कोशिश की, इन्होंने मुंह नहीं खोला। तो फिर इन्हें इंडियन आर्मी की ताकत दिखानी होगी। हेलो, क्या विजय सिंह इधर आना। जी सर। क्या लगता है तेरा भाई है? मेरा तेरा नाम क्या है रे? आमिर सिद्दीकी। देख आमिर, हमारे पास वक्त बहुत कम है, तेरे को जो भी पता है वो सही से ही बता दे, वरना इसका अंजाम बहुत बुरा होगा। चाय पिएगा? नादारे मर जाएगा बच्चा है, साहब इसे छोड़ दो, साहब इसे छोड़ दो, खुदा के वास्ते साहब इसे छोड़ दो, साहब इसे छोड़ दो, खुदा के वास्ते साहब इसे छोड़ दो, साहब इसे छोड़ दो, मैं सब कुछ बताता हूँ आपको, साहब इसे छोड़ दो, मैं आपको सब कुछ बताता हूँ। तो तुम्हारी बची हुई साथी कहाँ पर हैं? वो यही पुलवामा के जंगलों में छिपे हुए हैं। और कुछ इंफॉर्मेशन? नहीं साहब, और हमें कुछ भी मालूम नहीं है। सच बोल रहा है? अल्लाह की कसम हम सच बता रहे हैं। जवानों, तो फिर इनकी मुलाकात अल्लाह से ही करवा दो, और विजय सिंह तुम मेरे साथ आओ। देखा विजय सिंह, इंडियन आर्मी की ताकत। विजय सिंह आज उदास कैसे हो? सर आज मेरी माँ का देहांत हो गया। कब? सर अभी कुछ देर पहले मुझे पता चला। तो विजय सिंह तुमने मुझे बताया क्यों नहीं? तुम एक काम करो, तुम अभी अपने गांव के लिए निकलो। पर सर यहाँ की कंडीशन,
कंडीशन की छोड़ो, मैं सब हैंडल कर लूंगा, तुम अभी अपने गांव जा सकते हो। धन्यवाद सर। तेरी उंगली पकड़ के चला, ममता के आंचल में पला। माँ ओ मेरी माँ, मैं तेरा लाडला। माँ ओ मेरी माँ, मैं तेरा लाडला। कोई संदेश जाने वो कौन था दे, जहाँ तुम चले गए, जहाँ तुम चले गए, जाने वो कौन संदेश। हाँ राकेश। चलो सर, यहाँ पे आतंकी हमला हो गया। क्या सर? मेजर साहब भी घायल हो गए और हम सिर्फ 5 ही जवान बच रहे हैं। तो आप हेडक्वार्टर से मदद मांगो ना सर। हमने उनसे कांटेक्ट करने की खूब कोशिश की, बट सर उनकी सभी लाइनें व्यस्त चल रही है। अच्छा, तो तुम एक काम करो, कुछ देर के लिए सिचुएशन हैंडल करो, मैं कुछ करता हूँ। आप कब तक आ रहे हो यहाँ? सब आपका इंतजार कर रहे बेटा। मैं तने एक ही सीख दे बचाऊं छू कि जीवन में दो परिस्थिति अपने सामने आ जाए और चुनना एक को है, तो उस टाइम पे क्या करोगे? अपने दिल पे हाथ रखना और मनन करना कि मुझे कौन सी दिशा में जाना है। जवाब वहीं तुम्हें मिल जाएगा। और एक बात और बेटा, सुनना सबकी और करना बेटा मन की। छोटे, मैं आज तुझे एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी सौंपने जा रहा हूँ। मैं चाहता हूँ कि माँ का अंतिम संस्कार तू अपने हाथों से करे। मेरा आशीर्वाद सदा तेरे साथ है। तिरंगा ओ देश मेरे जीने
नहीं जो तेरे लिए सौ दर्द सहे। मेरी जमीन महबूब मेरी मेरी नस नस में तेरा इश्क बहे। तेरी मिट्टी में मिल जावा गुल बन के मैं खिल जावा। तेरी नदियों में बह जावा। कहीं सी है दिल की आरज़ू। ओ वतनामे मेरे वतनामे तेरा मेरा प्यार निराला था। तेरी मिट्टी में मिल जावा गुल बन के मैं खिल जावा। ओ माई मेरी क्या फिक्र तुझे क्यों आँख से दरिया बहता है। तेरी मिट्टी में मिल जावा इतनी सी है दिल की आरज़ू। आबाद रहे तू ऐ वतन मेरे वतन। तू ही मेरी मंजिल है पहचान तुझी से जू मैं जहां भी मेरी बुनियाद रहे तू। वतन वतन मेरे आबाद रहे तू ऐ वतन। पापा मेरे से नहीं होगी आर्मी की तैयारी। मुझे 3 साल हो गए मेहनत करते हुए और अभी तक सिलेक्शन नहीं हुआ। बेटा कभी दादाजी एक बात कही थी कि मन के हारे हार हैं और मन के जीते जीत। कह गए दास कबीर हरी पाइये मन ही के पति। अफसोस नहीं जो तेरे लिए सौ दर्द सहे। मेरी जमीन महबूब मेरी मेरी नस नस में तेरा इश्क बहे। तेरी मिट्टी में मिल जावा गुल बन के मैं खिल जावा। तेरी नदियों में बह जावा। इतनी सी है दिल की आरज़ू। ओ देश मेरे तेरी शान पे सदके तेरी धूप से रोशन तेरी हवा पे जिंदा है अर्ज़ी दीवाने की जहाँ बोर सुहानी देखी। कभी याद करे जो जमाना माटी पे मर मिट जाना। ओ देश मेरे कोई धन है क्या तेरी धूल से बढ़के।